हेलो वैसे बड़ी बार ये वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एक व्लॉग तो नहीं होने वाला है क्योंकि मेरी आदत बोलने की व्लॉग तो ये मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसके बारे में मैं आप सबको बताऊँ द प्रोसीजर द स्टेप्स क्या क्या होते हैं यूएस आने के लिए मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि दे लाइक अ लॉर ऑफ़ पीपल दे आर टेक्सटिंग मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन व्हाट्सएप ऑन फेसबुक मैसेंजर एवरी दे आर आस्किंग मी फॉर लाइक आप कैसे गए प्रोसीजर क्या है क्योंकि मैं भी उनकी जगह पे कभी था तो मुझे पता कि इंसान जानना चाहता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो सारे आपको ऐसे ऐसे घुमाएंगे हर एक वो जो ब्लॉगर यूट्यूबर जो है आपको ऐसे 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 घुमाएंगे और आपको कुछ कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक देंगे नहीं तो आपको मैं सिंपल सिंपल ब्रेक डाउन करके दूंगा कि करना क्या होता है कितना टाइम लगता है जिसकी वजह से आप अपना एक माइंड जो है वो सेटअप प्रिपेयर कर पाओगे कि हमें एक्चुअल में करना क्या है तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या होता है सब कुछ बताऊंगा डोंट वरी अबाउट इट तो लेस कैटार सो अगर आप यहाँ पे मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं किसी भी फील्ड में लाइक कंप्यूटर साइंस सिविल इंजीनियरिंग या किसी और में आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अमेरिका में खाली यू में आने के लिए आपको एक एग्ज़ाम होता है जो कि मास्टर्स के लिए आपको देना होता है उसका नाम होता है जी आर का टेस्ट जो है आपको वो एक फर्स्ट टेस्ट वो देना होता है उसके बाद दूसरा टेस्ट होता है उसका नाम आप टोफ़ल इंग्लिश प्रोफेशन टेस्ट होता है या तो आप डो दे दो या तो आप आयल्स दे दो या तो आप टोफल दे दो अमेरिका में ज़्यादा टोफल चलता है लेकिन जिस टाइम मैं आया था तो उस टाइम डोओलिंगो चल रहा था क्योंकि ड्यू टू तो कोविड जो एग्जाम सेंटर थे वो सारे बंद थे तो यू कैन डू दैट डो फ्रॉम योर होम इस एन ऑनलाइन टेस्ट बट द जो मतलब प्रोसीजर है वो सारा सेम रहता है आयल्स और क्या बोलते हैं इसको टोफल्स की तरह तो पहला आ जीआरई दूसरा आ गया टोफल और तीसरा आ गया ये तो आपको एग्जाम जो देने हैं तो इसके अलावा जो प्रिपरेशन करनी है वो आपको अपना एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना कि आप क्यों जाना चाहते हो यू एस मतलब उस यूनिवर्सिटी में क्यों अगर आप मुझे एडमिशन दोगे तो मुझ में ऐसा क्या खास है कि आई वील यू नो मतलब मैं ही एक एलिजिबल स्टूडेंट हूँ क्योंकि दे आर लाइक थाउजेंड एंड ऑफ स्टूडेंट्स अपलाइंग फॉर द सेम सेम क्लास सेम यूनिवर्सिटी सो आप में स्पेशल क्या है तो आपको अपने बारे में स्पेशल लिखना है क्या है बी रियलिस्टिक रियलिस्टिक और ये हो गई तीन चीज़ें स्टेटमेंट ऑफ पर्पज भी हो गया हमारा और इसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन थ्री लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को डिफरेंट चाहिए होते हैं मेरी यूनिवर्सिटी को थ्री लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए थे सो वट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये आपके प्रोफेसर्स जो होंगे मतलब जहाँ से अपने बैचलर्स की होगी या कोई हाई स्कूल जहां से भी आपने कुछ किया होगा तो वो प्रोफेसर आपके बारे में अच्छी चीज़ें लिखेंगे या बुरी है वो एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे उस यूनिवर्सिटी को मतलब वो आपको एक फिजिकल फॉर्मेट में भी लिख के दे सकते हैं और वैन यू आर अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटी वो लिंक यूनिवर्सिटी वाले आपके प्रोफेसर की मेल पे भेजते हैं तो वो वहाँ पे एक फॉर्म भरते हैं आपके बिहार पे कि आप कैसे बच्चे थे थ्रू आउट द बैचलर्स आपने क्या क्या, क्या किया आप एकेडमिक्स कैसा रिकॉर्ड कैसे था आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसी थी तो सब कुछ वो एक ऑनर्स्ट रिव्यू देते हैं यहाँ पे यू वाली यूनिवर्सिटी को मेरे में तो तीन प्रोफेसर ने दिया था मे भी कोई यूनिवर्सिटी दो मांगे कोई चार मांगे तो ये हो गई चार चीज़ें पहला हो गया जी आर ई देन इंग्लिश टेस्ट के लिए कोई भी मान लो या आयल्स तीसरा हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज मैंने बताया और चौथा हो गया लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डिपेंडसी किस यूनिवर्सिटी को कितने चाहिए नॉट अ बिग डे नॉट अगि ये जरूरी है कि आपने अच्छे काम किए हों थ्र ग्रेजुएशन तो आपके प्रोफेसर आपकी हेल्प करें चार चीजें ये खत्म हो गई तो इसके बात करते हैं जी आर ई कितना मुश्किल होता है जी आर ई का जो मैथ है इट्स नॉट ऑफ मैं बोलूँ मुश्किल तो नहीं होता है लेकिन जो उसका इंग्लिश पार्ट है वो काफी काफी ज्यादा हार्ड होता है टॉप लेवल की इंग्लिश होती है मतलब वर्ड्स काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है उसका एक पूरा स्टेप दिया गाइडलाइन दिया मैंने कोचिंग अपनी की थी जी आर ई एच करके एक uh, एक कंपनी है कोई क्या मैंने वहाँ से उनका कोर्स लिया था सेवन थाउजेंड और समथिंग लाइक दैट उतने में मैंने कोर्स लिया था और सिक्स मंथ प्रिपरेशन की थी मैंने और इंग्लिश प्रोफेशनसी प्रोफेशनसी इंग्लिश प्रोफेशनसी टेस्ट जो था मेरी अभी भी इंग्लिश ख़राब है तो मैंने इंग्लिश प्रोफेशनसी टेस्ट के लिए जो है मैंने ऑलमोस्ट लाइक अ वीक मैंने एक हफ्ते पढ़ा था उसके लिए क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी करना था अप्लाई करने के लिए क्योंकि मेरे पास टाइम कम था मैं आपको वो वही बताऊंगा कि मैंने कब अप्लाई किया था क्या प्रोसीजर था जब मैं आपको बता रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या तो उसके लिए मैंने अब वीक हाँ एक हफ्ते में मैंने वो तैयार किया था वो मैंने पास कर दिया था फिर उसके लिए आपको जी के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है मे बी अगर आप ज़्यादा स्पेशल हो तो तीन हफ्त तीन महीने भी दो महीने भी मुझे लगता है मोर देनफ है अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो वो बात ख़त्म हो गई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन स्टेटमेंट ऑफ पर डील हो तो आप लिख ही लोगे तो ये होगी बाकी चीज़ है स्टेप वन होता है कि आपको मास्टर्स किस में करना है तो मैंने बैचलर्स अपना सिविल इंजीनियरिंग में किया था तो मुझे मास्टर्स भी इसी में करना था बहुत सारे बंदे जो हैं वो स्विच कर लेते हैं मैंने लेकिन इसी में अपना मास्टर्स करना था तो मैंने गूगल पे गया बेस्ट प्लेस टू गो गूगल पे गया सर्च किया लाइक विच यूनिवर्सिटीज़ आर बेस्ट फॉर द सिविल इंजीनियरिंग इन यू एस ए अफोर्डेबल एंड विच यूनिवर्सिटीज अपल लाइक गिव स्कॉलरशिप्स एंड ऑल तो शॉर्ट आउट करते गया करते गया करते गया तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब गूगल से ही हेल्प मिल जाएगी आपको कहीं और भागने की ज़रूरत ही नहीं है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि स्कॉलरशिप ढूंढना चाहते हैं जो कि स्कॉलरशिप मुझे मिली थी जिसका नाम होता है ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप फुल फुली फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है यू हैव डो नो ट्यूशन एंड देखली आप किस यूनिवर्सिटी किस स्टेट में जा रहे हो तो डिपेंड करता है क्योंकि हर एक यूनिवर्स हर एक स्टेट में अलग अलग लाइक मिनिमम वेज हैं ओहायो में शायद मिनिमम टेन डॉलर पर आवर है तो इस हिसाब से वो आपको पैसे देते हैं स्टाइप देते हैं तो जब भी आप इंटरनेट पर जाए तो सर्च करें कि विच यूनिवर्सिटी प्रोवाइड ग्रेजुएट असिस्टेंटश अगर आपको ये मिल जाती है तो समझो

उनकी वेबसाइट पे जाके आपने उनके प्रोफेसर की डिटेल्स निकालनी है इनकी मेल्स निकालनी है सिविल इंजीनियरिंग वाले आपने उनको स्टार्ट करना है मेल कि प्रोफेसर आई दिस दिस स्टूडेंट आई डन इन माय बैच मैं माय प्रोजेक्ट वाज दिस आई एम लुकिंग फॉर अ रिसर्च डू यू हैव एनी अवेलेबल इन अंडर यू सो कैन यू हेल्प मी विद एंड यू नो थिंग्स विधर बिट ट्राई टू बी लाइक मोर ट्राई टू शो दैम लिट्रली वन डू समथिंग इन योर लाइफ तो एक प्रोफेसर को नहीं करना एक यूनिवर्सिटी में नहीं करना ऐसे ऐसे आपको कम से कम कोई बीस यूनिवर्सिटीज ढूंढनी है बीस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कम से कम फोर प्रोफेसर कम से कम एट्टी प्रोफेसर को आपने मेल करना है एक ही मेल लिखो लंबा नोट्स में बना लो हर नाम चेंज करते जाओ प्रोफेसर को चेंज करना है तो हर एक को वही सेंड करते जाओ क्या होता है आपको वहाँ से पाँच को रिप्लाई आ जाए चार का तीन का रिप्लाई आ जाए जो आपको बेस्ट लगे आप उसको उसको चूज़ कर लो देर आर लाइक सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन यू एस ए ज आप को मिल सकता है ये कोई भी नहीं बताता है कोई भी नहीं बताता मैंने इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी ये आपको कोई भी नहीं बताएगा जीए का सारे बोलते हैं ये अप्लाई करो कोई कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करो बहुत मुश्किल से मिलती है जो आपको मैं बता रहा हूँ करने के लिए गो टू तो दू तो दियर वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटीज लाइक गो टू हाई स्टेट यूनिवर्सिटी ट्राई टू फाइंड द प्रोफेसर ट्राई टू मेल दैम इफ दे डोंट रिस्पॉन्स ट्राई टू मेल दम अगेन एंड अगेन दे विल रिप्लाई देफिनेटली यहाँ की बात बहुत अच्छी है किसी को भी मेल करोगे वो रिप्लाई करते हैं सारे के सारे रिप्लाई करते हैं तो आप उनको मेल करो आप उनको पर्पज़ बताओ कि आई नीड दिस आई वाट डू दिस तो वो आपको वो आपकी हेल्प कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाएगी उससे उसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगा कि उससे अच्छा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे क्योंकि वैन आई वॉज अप्लाइंग तो मुझे जी मिला था एक प्रोफेसर के अंडर तो हमें उनके लिए रिसर्च करनी पड़ती है एक रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है उनके लिए वो कोई टॉपिक देते हैं जिस जिस केस पे वो स्टडी कर रहे हैं तो बट यू हैव टू वर्क लाइक रियली रियली हार्ड तो वो आपको अपना एक रिसर्च असटेंट बनाएंगे आपको या तो आपको टेक टीचिंग असटेंट बनाएंगे टीचिंग ने आपको ये करना है कि उनकी हेल्प करनी है जो वो जो वो क्लासें लेते हैं आप उनको उनके बच्चों के लिए ग्रेड करना पड़ता है लेब्स लेनी पड़ती हैं सो इट इज़ लाइक का डिफ़िकल्ट बट यू नो दे आर पेइंग फॉर यू सो यू नो है बिग अमाउंट फिफ्टी लैक्स एटी लैक्स फोर्टी लैख नो है एज़ कम्पेयर टू अदर अदर स्टूडेंट नाट है थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी लैक अलफा सो ट्राई करो कि आपको ये मिल जाए अगर नहीं भी मिलती है और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको नहीं भी मिलती है जी ए तो आप कैसे दूसरी स्कॉलरशिप ले है सकते हैं नंबर एक आपको जो जी आर ई का पेपर मैंने बताया उसमें आपको ट्राई टू कैट द लाइक यू नो कह द टॉप रैंक बहुत मुश्किल नहीं है एवरेज बच्चे थ्री ट्वेंटी थ्री थर्टी कर लेते हैं स्कोर तो आप भी मे भी कर सकते हो अगर आप डेडिकेशन से पढ़ो और टोफल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं इंग्लिश प्रोफेशनसी टेस्ट बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है बस डरना नहीं है ईज़िली कर पाओगे मेरा तो ऑनलाइन हुआ था तो नर्वस में बहुत ज़्यादा था लेकिन फिजिकल नहीं था आईलेट्स और टोफ़ल जो है वो फिजिकल वहाँ जा देने पड़ते हैं और इंटरव्यू भी देना पड़ता है तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा तो तो इन पर इन पे जो है कंट्रोल कर लो और आपकी जो बैचलर्स में वो परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए आपका जी अच्छा होना चाहिए और आपके जो प्रोजेक्ट है कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपने किया होना चाहिए ये सब खत्म आपने अप्लाई कर दिया यही चीज़ें चाहिए होती हैं अप्लाई करने के लिए इसके अलावा कुछ प्रिंट नथिंग ये सब आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर दिया अभी तक तो था सिर्फ अप्लाई करना अप्लाई आपने कर दिया ये सब कुछ आपने सबमिट कर दिया अब यूनिवर्सिटी आपको बोलेगी कि लाइक वु दे दे एक्सेप्ट यू और नॉट दे विल सेंड यू एन एक्सेप्टेंस ऑफर इसके बाद जो स्टेप होता है अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है इसके बाद जो स्टेप होता है तो वो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रूफ ऑफ बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है यूनिवर्सिटी वालों को कि हाँ जी आपके पास इतना अमाउंट है फॉर वन मिनिमम वन ईयर की आप यू में रह सकते हो पे कर सकते हो बाहर रह सकते हो अकोमडेशन अपनी कर सकते हो तो आप उनको उनको प्रूफ देना पड़ता है बैंक स्टेटमेंट का लाइक वन मंथ इतने का शायद देना पड़ता है तो वह आप उनको भेजोगे यूनिवर्सिटी वालों को तो वहाँ से वो आपको एक आईडेंटी फॉर्म होते हैं वो आईडेंटी फॉर्म आपको भेजते हैं जो कि सबसे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आई ट्वेंटी जिसके हाँ वीज़ा सब कुछ उसके बाद ही करते हो वंस वंस यू यू थिंक उसके बाद सबसे ज़्यादा टफ पार्ट जो मुझे लगा पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा टफ और मतलब बोलते हैं ना कि वो ही एक पॉइंट है उसके बाद अगर आपने वो क्लियर कर दिया तो देन यू आर डेफिनेटली गुड टू गो उसके बाद कुछ नहीं करना लेकिन इस स्टेप पे अगर आप फेल हो गए तो आपने जितनी मेहनत की थी जिया डॉफल एलो आर जितना किया था फिनिश फिनिश एवरी थिंग इज गॉन मुझे अभी भी वो दिन याद है इट लाइक और 16 16 और 15 कुछ ऐसे था मेरा वीजा इंटरव्यू था डेली में और मेरी क्लासेस नाइन जनवरी से शुरू हो रही थी और कोरोना चल रहा था और फ्लाइट्स दोबारा कैंसिल हो रही थी शायद एक वीक बचा बचा था तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गया था क्योंकि मुझे वीज़ा इंटरव्यू क्लियर करना ही करना था किसी भी हालत में और मुझे वीज़ा लेना ही लेना था कि मुझे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया था क्योंकि मैं थ्रू आउट द ईयर मैं स्टेप मतलब स्टेप बाई स्टेप जा रहा था जा रहा था सब कुछ कर रहा था मैं बोलता या अगर इस बार नहीं ये स्टेप नहीं हुआ तो फिर पूरे साल की मेहनत ज़ाए हो जाएगी तो वो लाइक 18 दिसंबर था शायद मुझे अभी भी याद है हाँ दिल्ली में था यूएस एम्बेसी में सुबह चला गया यकीन मानो मेरा मैं इतना एक्साइटेड था और नर्वस था सबसे पहले अंधेरे में पहुंच गया था सुबह चार ही कितने बजे तो एम्बेसी सात बजे खुलती थी मैं थोड़ा पैसे बहुत ज़्यादा हूँ तो मुझे लगता अगर ये क्या बोलते हैं मुझे ऊबर नहीं मिली अगर मेट्रो नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा फिर क्या करूँगा तो मैं इसीलिए एक दो घंटे पहले घर से निकला तो तीन बजे मैं शायद तीन या चार बजे मैं एम्बेसी के बाहर पहुँच गया एम्बेसी सात बजे शायद खुलती थी So, there was like literally nobody, only me and one of my friends. His name was Sharik. He was with me, so he helped me a lot. Like, I stayed with him. He he came he came with me to the US Embassy. I was very nervous, so I slowly, slowly, slowly. There are like thousands of students, you know, coming after me. Like, I was a first, not first in the line. Yeah, yeah, I was first in the line. तो उसके पीछे लड़के लड़के लड़के, लड़के। अचानक से पता नहीं क्या हो गया लाइन ब्रेक हुई क्या हुई तो मेरे आगे से भी बहुत सारे बच्चे आ गए तो मैं कहीं बीच में फंस गया मैं भी अल्लाह ने वो अच्छा करना था तो मैं पीछे आ गया लड़कियों की लाइन अलग लगी तो मैं अंदर चलता गया चलता गया माई हार्ट वॉज लाइकलीसप्लोर मैं पूरा फील कर रहा था वो प्रेशर ट्रामा वो कितना भयानक हो रहा था तो ऐसे हम अंदर चले गए यू एस एम्बेसी के अंदर चले गए तो बहुत सारी चेयर्स लगी हुई थी तो आज ऐसे विंडो बने थे वन टू थ्री फोर फाइव विंडोज बने हुए थे तो आपको उनके पीछे ही बैठना होता है थोड़ी सी स्पेस होती है तो जो बंदा इंटरव्यू दे रहा होता है आप उसको लिटरली सुन सकते हो कि वो रिजेक्ट हो रहा है एक्सेप्ट हो रहा है तो मेरे सामने एक लड़का गया उसने मतलब उसने को पूछा लाइक डू यू नो द लोकेशन ऑफ योर लोकेशन ऑफ योर कॉलेज उसने बोला यस आई नो उसने उसको पूरा एड्रेस बता दिया लाइक ओ हाइ स्टेट अपार्टमेंट समा एड्रेस बता दिया एंड ही like उसने और कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत आई थिंक उसने लाइक आंसर दिए अच्छे तरीके से मुझे जो लग रहा था लेकिन उसने बोला यू आर नॉट एक्सेप्टी आई टू रिजेक्ट यू मैंने खुद सुना एंड आई वॉज लाइक वाव इसने इतना आंसर इतने अच्छे आंसर दिए मैं तो इतना रेडी भी नहीं हूँ मतलब कॉन्फिडेंस लेवल मेरा गिर गया था उसको देख के मैंने अब मैं क्या करूंगा धबधक धबधक इसे नेक्स्ट धक 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 ज मैं आगे पूछा पिछले कोई बंदा आ गया वो मेरी 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 जगह चला गया उस मतलब जो मेल था उसके पास चला गया और मैं लड़की के पास चला एक लड़की थी उसके पास चला गया तो शी सार्ट आस्किंग मी लाइक विच यूनिवर्सिटी वाई दिस यूनिवर्सिटी विच प्रोजेक्ट यू चूज इन योर बैचलर्स वट इज जी ए क्योंकि मुझे एक ग्रेजुएट एसनशिप मिली थी उसने मुझे पूछा जी ए क्या होता है ना यू टू गो आई लाइक इज दैट इट या ओ दैर आई लेफ्ट आउट आई डोंट नो एनी थिंग मैंने इतना इतना खुश कभी भी लाइफ में नहीं हुआ बहुत ज़्यादा खुश हुआ अल्लाह का शुक्र अदा किया अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आई एम फ्राम जम्मू एंड कश्मीर पीपल नो अबाउट दा हार्ड मतलब डिफिकल्ट तो होता ही यू एस अप्लाई करने के लिए तो मुझ मुझ में वो ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा वो था कि क्या पता होगा नहीं होगा लेकिन स्टिल मेरे पेरेंट्स की दुआएँ थी रिलेटिव की थी हर एक की थी और अल्लाह का साथ था सबसे ज़्यादा तो अल्लाह का साथ और मेरे पेरेंट्स की दुआ उसके अलावा कुछ भी नहीं तो ये सारा प्रोसेस हो गया सारा कुछ स्मूथली स्मूथली हो गया इसके बाद से इसके बाद से जो था कि अब मुझे जाना था आई है ट्वेंटी डेज टू गो टिकट वार लाइक प्राइसिंग अपर लाइक टू मच फिर भी हमने टिकट अरे जस्ट है सो हमने फ्लाइट वगैरह बुक कर ली मेरा मैं मेरा एक फ्रेंड और एक और लड़की थी वो भी हमारे साथ थी तो वी ऑल गॉट एक्सेप्टेड टुगेदर तो हमने फ्लाइट्स बुक की थी हम लेट अब डे आ गया 26 को शायद हम निकले थे 26 को हम दिल्ली से हमारी फ़्लाइट थी पेरिस के लिए फिर पेरिस से हमारी फ़्लाइट थी जॉन ऑफ कैनिडिया गया मुझे अब ये भी याद नहीं रहा फिर जॉन ऑफ नो नॉन सॉरी हमारी प्राइस थी ये, हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली टू तो पेरिस देन पेरिस टू तो क्लीवलैंड एंड नो 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 कम ऑन हमारी फ़्लाइट थी डेली टू पेरिस देन पेरिस टू एटलाना एंड एटलाना टू क्लेवलैंड और क्लेवलैंड से हम फिर क्या बोलते हैं हमने अकोमोडेशन की हुई थी तो उसके थ्रू हम यहाँ पे आए थे तो उससे पहले मैं आपको वो बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मेरे साथ तो एयरपोर्ट पे क्या हुआ मुझे जिस बात का डर था सबसे ज़्यादा कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ ऑबियसली वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट क्योंकि आपके पास वो लगा हुआ तो हम ऐसे लाइन में खड़े हुए हैं डेली में तो मुझे पता था कुछ ना कुछ तो होगा देना मी गो दैर ईजी सो मैं वहाँ पे खड़ा था क्योंकि आई डोंट नो ऐसा रेगुलर चेकअप मुझे नहीं पता आई डोंट रो नो डिग मैं जैसे आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हुआ क्या था सो आफ्टर दैट मी माय फ्रेंड और एक मेरी और फ्रेंड थी मतलब मेरी फ्रेंड नहीं थी यहाँ पे आने वाली तो हम साथ में थे सारे तो हम लाइन में लगे थे इत, इतने ज़्यादा लोग थे फ्लाइट डिले हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा हसल बसल हो रहा था

लगना पड़ा उस स्पेशल क्वेश्चनिंग के लिए आई डोंट व्हाट वाज द मे बी आई डोंट नो तो गया बिलीव इन अल्लाह अल्लाह ने जहाँ तक पहुँचाया उसके आगे अल्लाह ने पहुँचाना था आई माय पार्ट रेस्ट टू अल्लाह सो चला गया तो यू फ्राम यू गोइंग एंड हाउ मच कैच यू तो मैंने उनको बोलना था कि मैंने यारेड डॉलर्स लिए हैं यूएस कन्वर्ट कराएं तो मैंने कल से फाइव थाउजेंड बोला तो उन्होंने बोला मुझे रिसप्ट दिखाओ तो मुझे रिसिप्ट मिलने लगी वॉज लाइक स्टेयरिंग एट इज इट पर्सन तो मुझे लेजिट वो क्या बोलते हैं फाइनली रिसिप्ट मिली गई तो मैंने उनको शो कर लिया रिसिट तो उन्होंने बोला ओके तीन चार क्वेश्चन और किए तो मैंने कहा ओके थैंक यू अल्लाह तो उसके बाद बाहर आ गया फिर लंबी लाइन फिर लंबी लाइन तो दिल्ली पहुंच गए दिल्ली से ओके इट वाज गुड फ्लाइट पैरिस चले गए अब पेरिस में हमारा जो चेंज करनी थी फ्लाइट डेल्टा या लाइन थी तो वहां से हमने चेंज करनी थी तो अगेन दे जैसे एक हम बैग तो मेरे अलग से लिए क्योंकि भर एक वो जो था ना क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको मुझे याद ही नहीं पड़ रहा है वो स्कैन कर रहे थे तो उनको सीधा वो मतलब खुल रहा था विंडो खुल रही थी तो अंदर जा रहे थे लेकिन मेरे पे खुल ही नहीं मेरे पे रेड दिखा रहा था क्योंकि उन्होंने शायद वहीं पे कुछ लगा लिया था मेरे उस पर बोर्डिं, बोर्डिंग बोर्डिंग पास पे बोर्डिंग पास पे कुछ लगा लिया था स्पेशल तो मुझे पहले से भी अलग से ले जाके मेरा टेस्ट वो किया मतलब वो बैग खोले वो टेस्ट करते हैं एक वो टेस्ट किए मैंने कहा ओके डू डू यू तो उन्होंने टेस्ट किया अगेन वहां से भी निकल गए फिर सबसे ज्यादा डर जो होता है वो यहाँ पे यूएस में होता है जहाँ पे आप इमिग्रेशन करते हो तो मेरा अटलांटा में था क्योंकि मैंने सुना है जब वो अटलांटा में क्वेश्चनिंग करते हैं ना मतलब बहुत सारी वीडियोस में देखा है तो वो यहाँ से भी आपको मतलब डिपोर्ट वापस कर सकते हैं कि अगर आपको लेजिट नहीं लगे कुछ गड़बड़ी लगी थोड़ी सी भी थोड़ी सी भी तो वो आपको वापस भेज सकते हैं मैंने ऐसा सुना था और मुझे बहुत बहुत, बहुत एयरपोर्ट से वापस भेज देते हैं उर् तो रुकते भी नहीं हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था तो मैंने कहा यार जस्ट हेल्प मी तूने पहुँचाए जस्ट डू जस्ट डू द बेस्ट फॉर मी सो मैं गया सिक्योरिटी कूल चिल ही then wo type, wo type karne laga, pe, computer did not ask me anything then he said which university i said why he said why YSU, and i uh, started to type again and again and again my heart was uh, literally at this, this place i say i'm about to, I'm about to collapse i cannot handle this pressure anymore it's like so much you know traumatizing but he said okay you're good to go i said okay he just put the stamp immigration stamp i say allah i'm done thank you थैंक यू थैंक यू सो मच नो प्रम्स नथिंग नो एक्स्ट्रा चैकिंग मैंने एक बात नोटिस की मैं अमेरिका में अमेरिका में कोई स्पेशल चेकिंग हुई लाइक वेरी गुड स्कैनिंग बैग चेक नथिंग ऑनली इन पैरिस एंड डेली आई गाट दॉब लाइक अदरवाइज इन यू एस एन फेस एनी प्रॉब्लम अलहमदिल्लास एनी प्रॉब्लम क्लिवेंट पहुँच गए क्लिवलैंड से मेरा बैग लॉस हो गया एक बैग लॉस हो गया तो हम इनके पास चला के बोलें सॉरी तो हम कल बैग पहुँचा देंगे आपके घर पर पूरा तो हम आ गए वहाँ से कैब थी वो हमें सर ने भेजी थी प्रोफेसर ने तो वहाँ से हम अपने रूम पे आ गए तो दैट्स इट मैंने अल्लाह का शुक्र शिक्षार हूँ कि अल्लाह ने सब कुछ कर दिया इजीली पीजीली बहुत ना मांगते हुए बहुत ज़्यादा मिल गया दुआ कर तो आगे आगे भी मिलता जाए और हर एक को एक एडवाइस है कि हमेशा अपने पेरेंट्स की सुनो हमेशा अपने पेरेंट्स की सुनो वट एवर डे इट्स गुड फॉर यू गुड फॉर यूनुम रिस्पेक्ट हम तो दिस वॉज माई जर्नी लाइक कैसे मैं यू एस ए पहुंचा लॉर ऑफ पीपल वॉज आस्किंग मी सो दिस इज ऑल और ये आपको अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस विल कल्प यू और अगर आपको एडिशनल कुछ हेल्प चाहिए तो लाइक कमेंट मी आई विल आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चन इन दिस वीडियो फॉर श्योर फॉर श्योर सो दिस इज ए मिलते हैं आपको और मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा यू एस ए में मेरा एक साल का एक्सपीरियंस कैसे था, वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा इस वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक थ्री इन द मॉर्निंग यहाँ पे थ्री इन द मॉर्निंग मैं बना रहा हूँ क्योंकि पेपर वेपर खत्म हो गए तो आई वॉज लाइक एन हैज फॉर यू ऑल गाइस कीप सपोर्टिंग मी सब्सक्राइब एंड लाइक थैंक यू